पिछले वीडियो में आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, थीम को इंस्टॉल करना और वर्डप्रेस से रिलेटेड काफी चीजें आपको बता दी हैं। आज हम बता रहे हैं कि आप अपने जब वर्डप्रेस में टाइप करने जाते हो कोई भी कंटेंट, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, या कोई कंटेंट लिख रहे हो, तो वहां पर आपको पर्याप्त टूल फंक्शन नहीं मिलते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? तो आज हम आपको बताएंगे कि एडिटिंग टूल कैसे और फंक्शन कैसे हम वर्डप्रेस के टाइप एरिया में लगा सकते हैं और क्लासिक एडिटर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक प्लगइन बता रहे हैं, टीनी एमसी एडवांस। ये प्लगइन के थ्रू हम अपने वर्डप्रेस के टाइप वाले डैशबोर्ड में फंक्शन और टूल एक्टिवेट करेंगे, जहां पर हम कोई कुछ भी चीज टाइप करेंगे वो हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाएंगे। यहाँ पर आपके सभी प्लगइन दिख रहे हैं, लेकिन हमको नया प्लगइन ऐड करना है वर्डप्रेस में, तो हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार दिखेगा, आप सर्च बार में टाइप करेंगे टीनी एमसी एडवांस। आपको ये पहले ही प्लगइन मिल जाएगा टीनी एडवांस, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहां पर आप एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ आपका ये सेटअप आ गया है। अब यहाँ हम सेटिंग करेंगे इसकी, ठीक है। सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, हमें क्लासिक चाहिए, हम यहाँ पर जाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे, ये डिफॉल्टेड रहता है। दूसरा अपन करेंगे फॉन्ट साइज इनेबल कर देंगे, मेक ए क्लासिक कर देंगे, रिप्लेस ब्लॉक एडिटर कर देंगे, कीप पैराग्राफ ब्लॉक एडिटर कर देंगे। यहाँ पर हमने इतने ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया है। अब हम कर देंगे शेप चेंजेस। शेप चेंजेस करने के बाद अब हम पोस्ट को लिखने के लिए जाते हैं, हमें कैसा एडिटर मिलता है देखिए दोस्तों। ये देखिए पहले से अपन हमें काफी अच्छा एडिटर मिला है, उसमें जो टाइप करते थे काफी प्रॉब्लम फेस करते, हम कुछ टाइप नहीं कर पाते ना फॉन्ट चेंज कर पाते, तो प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये प्लगइन के लिए सजेस्ट किया, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते, लेकिन उस एडिटर में नहीं कर सकते थे, कलर चेंज कर सकते। सपोज दैट आपको और चीजें इसमें जोड़नी है, ऐड करनी है, तो वो कैसे करें? तो उसके लिए दोस्तों फिर से आप प्लगइन में जाएंगे, क्लासिक एडिटर में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू, जस्टिफाई, फंक्शन और टूल चाहिए आपको, तो आप ड्रैग करके यहाँ ऐड कर सकते। मुझे अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन आप ड्रैग कर लीजिए, मुझे जस्टिफाई का फंक्शन चाहिए तो वो भी आप ड्रैग कर लीजिए, मुझे यहाँ पर पेज ब्रेक चाहिए तो पेज ब्रेक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट डेट एंड टाइम चाहिए तो वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रिंट का चाहिए तो प्रिंट भी कर सकते हैं, और आपको इमोजिस चाहिए, जो इमोजिस आइकन होते हैं फेसबुक पे, जैसे देखेंगे लाइक वाले, तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। और भी करना है आपको तो आप अपने हिसाब से ड्रैग करके क्लासिक एडिटर में ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया, मैं शेप चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए अब चेक करते हैं यहाँ पर इसको, तो देखिए यहाँ पर इमोजेस भी आ चुकी हैं। तो इसी तरह से आप अपने डैशबोर्ड को अच्छा बना सकते हैं और टूल और फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं टाइप्स रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड एंड थैंक्स एंड बाय बाय।